हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक नया पिक्चर लेके आया, जिस पिक्चर को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा ना बोलकर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा मॉव और हल्का सा अल्टरमेंट ब्लू कलर करके और यहाँ पे और थोड़ा सा येलो कर दिए, मैं पूरा पिक्चर के बैकग्राउंड को कर रहा हूँ। पिक्चर के बारे में डिटेल क्या बना रहा हूँ क्या नहीं बना रहा वो तो आपको दिखाई देंगे और आप देख रहे हो, तो मुझे पिक्चर्स के ऊपर ही मैं डिस्कस करूँ ज़्यादा कुछ ना बोलकर, यही अच्छा होगा। अब देखो पूरा जगह पे मैंने अल्टरमेरिन ब्लू और मॉव कलर से हल्का करके एक ही साथ वाटर के साथ मैं नीचे वाटर के साथ वो येलो कर किया और उसके बाद हल्का से राइट साइड में थोड़ा सा ग्रीन दिया और जो फिगर आप देख रहे हो उस फिगर के नीचे शेडो दिया। और ये जो उसकी फिगर की जो उधर पीछे आपकी लेफ्ट साइड में जो मैंने स्ट्रोक दिया, एक्चुअली दिस ड्राई कोकोनट जो लीव्स है, जो सूखा नारियल का पत्ता है वो, उसका शेडो के साथ और उसका स्ट्रोक के साथ। अब मैं उधर बैकग्राउंड में जो ट्रीज है, एक्चुअली ये बहुत घने जंगल है और चारों तरफ नारियल का पेड़ है और बीच में एक तालाब है, वो तालाब के ऊपर आपका बहुत घने जंगल में कुछ नारियल का ट्री है। तो जो घने जंगल है इसमें जो मैं कलर्स कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर और येलो कलर, थोड़ा सा गैम्बोज लाइट ग्रीन, सैग ग्रीन, हॉकर्स डीप ग्रीन, वीडियन ग्रीन, थोड़ा सा ब्लू, ये सब कुछ मिक्सिंग है क्योंकि ग्रीन कलर में बहुत कुछ मिक्सिंग होता है, बहुत कलर्स हम देखते हैं। हम ग्रीन में खाली ग्रीन ही नहीं देखते हैं, तो ग्रीन में हम थोड़ा सा ऑरेंज भी देखते हैं। तो ग्रीन जो कलर है जो मैं कर रहा हूँ ये पूरा नेचर के साथ रिलेटेड है। और जो हम सबको आज एन आर्टिस्ट और नॉट लवर हो, कुछ अगर नॉन आर्टिस्ट भी हैं, सबको यही कलर हमें दिखाई देता है, तो वही कलर मैं नेचर के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप देखेंगे मैं थोड़ा सा ना ग्लिया कर रहा हूँ और ब्रश से थोड़ा सा स्ट्रोक दे रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि हर जगह पर स्ट्रोक करने की ज़रूरत नहीं है, जो पानी का स्प्रे करने के में ना कलर्स थोड़ा सा ना फ्रेड हो जाता है। देखो स्प्रेड हो गया आपको पूरा, अब कितना ज़्यादा स्प्रेड हो गया, देखो धीरे 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 दिखाई दे रहा है, तो वो ऑलरेडी ट्री लीव्स का एक इफ़ेक्ट आ गया। इसमें कुछ ज़्यादा स्ट्रोक देने की ज़रूरत नहीं होगा, हाँ जहाँ पे ज़रूरत होगा नीड होगा वो तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन जैसे देखो अभी कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा डीप कर रहा हूँ। और साइड में जो आप वाइट का लाइन देख रहे हो कोकोनट ट्री का जो आपका ब्रांच है वो मैं दिखाया, और उस सैप ग्रीन के साथ थोड़ा सा ब्लू कलर लेके मैं धीरे धीरे डार्क पार्ट में कुछ कर रहा हूँ, और जो वाटर की जो हल्का से स्प्रे दिया उसके साथ नीचे, ये पूरा तालाब के ऊपर वाला पार्ट है। और येलो का थोड़ा सा ग्रीन कलर में आपको दोबारा बता देता हूँ क्या का कलर मैंने लिया पूरा बैकग्राउंड में, येलो कर, थोड़ा गैम्बोज लाइट ग्रीन, सैप ग्रीन, हॉकर्स डीप ग्रीन एंड वीडियन ग्रीन। और इन सब के साथ ना कभी कभी हम थोड़ा प्रूशियन ब्लू उसके साथ मिक्स कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप हल्का हल्का इसको आप स्ट्रोक दे दो। जो स्ट्रोक दे रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कलर से मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ, वो वीडियन ग्रीन सैप ग्रीन के साथ थोड़ा सा ब्लू के साथ स्ट्रोक दे रहा हूँ। नीचे वाले पार्ट भी थोड़ा सा डार्किश है और ऊपर से जो स्प्रेड हुआ वो ऑलरेडी कलर में वो लिप्स का एक स्ट्रोक ऑलरेडी क्रिएट हो गया। आप देखो थोड़ा डार्क ग्रीन से मैं बीच बीच में स्ट्रोक दे रहा हूँ, और इसके बीच में ना कुछ ट्री का जो तना है वो जो ब्रांचेस है वो भी मैं उसमें दिखा रहा हूँ, हल्का हल्का निकाल रहा हूँ कि ट्री के बीच में से भी आप पेड़ का या ब्रांचेस दिखाई देंगे आपको। तो ये पूरा जो ये जो पूछे है ना, ये जो जंगल है और पूरा ग्रीन का, ये हम आपको अभी धीरे धीरे दिखाएंगे। एक बात थोड़ा सा नोटिस करिए, यहाँ पे डार्क कलर ज़रूर है, जो हॉकर्स डीप ग्रीन प्रूशियन ब्लू जो डार्क कलर मैं दे रहा हूँ डार्क कलर ज़रूर है, लेकिन उतना हाई डार्क नहीं है, एक मिडिल टोन पे हर डार्क है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी डिस्टेंस में है ना, तो इसमें ज़्यादा डार्क ना हो जाए ये ध्यान जरूर रखना। और जैसे कोई भी आप डार्क स्ट्रोक दे दो, डार्क तो ऑब्वियसली होगा ऊपर घने जंगल में, नहीं तो डेथ नहीं आएगा, पर बहुत ज़्यादा
डार्क ना हो, इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखना है। आपका जो डार्कनेस होगा वो बिल्कुल फोरग्राउंड में बिल्कुल सामने होगा, आपका मेन सब्जेक्ट की तरफ होगा, क्योंकि बहुत डिस्टेंस में जाओगे वहाँ पे डार्क मीडियम हो, मीडियम डार्क जो होता है। अब इसमें कोकोनट ट्री का लीफ भी एक साथ आपको करना है, कोई बार बार स्ट्रोक नहीं देना। हाँ, सेकेंड कोट में हल्का सा स्ट्रोक दे सकते हो अगर नहीं रहे तो, थोड़ा सा कुछ उसका पूरा कैरेक्टर अगर नहीं निकल के आता है तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कोकोनट का लीफ जो बना रहा हूँ ये एक ही टोन में, एक ही कोट में, लेकिन इस पर कलर वही सेम कलर ही है, मतलब जो कलर मैंने ग्रीन में लिया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूश का पार्ट, ब्लूश एंड ब्लू ग्रीन कलर के साथ, वेटिंग कलर के साथ थोड़ा सा ज़्यादा है, नहीं तो जो नीचे का जो पेड़ का जो कलर्स है और कोकोनट ट्री का लीव्स का जो कलर्स है दोनों मिक्सिंग हो जाएगा, तो हल्का सा इसलिए आपको डिफरेंस रखना होगा। हल्का सा जो सूखा पत्ता है, थोड़ा सा ब्लूश पीछे वाला पार्ट है वो। अभी इसमें मैं बैचेस में भी कलर, जो व्हाइट पार्ट रखा था आपने देखा कलर के बीच में ब्रासेस के, उस बीच में से मैं पहले से व्हाइट छोड़ दिया लाइट का और अभी डार्क शेडो दे रहा हूँ मैं। ये देखो अभी मैं कोकोनट ट्री का ना थोड़ा सा हल्का सा डार्क टोन दे रहा हूँ, हल्का सा, जो बिल्कुल फ्रंट पे है, बैक साइड पे थोड़ा कम, जो बिल्कुल सामने वाला नारियल पेड़ है वहाँ पे मैंने स्टोक दिया। अब ये सबसे बड़ा है क्योंकि और क्लोज है ये, वो जो लग दो तीन चार चार नारियल पेड़ है उसका ये वाला और क्लोज में है, थोड़ा इंडियन येलो, थोड़ा गैम्बोज, थोड़ा से थोड़ा ब्लू, थोड़ा वीडियन ग्रीन, ये मिक्स करके मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे सैप ग्रीन की परसेंटेज थोड़ा कम है। अब मैं ये हर चीज़ मैं जो टेक्निकली जो चीज़ होता है जो ट्रीटमेंट और सीखने का, ये सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और कोशिश करके देखिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इतनी सारी टेक्निकली पॉइंट कोई नहीं बताता है कि मैं कौन सा कलर नहीं लिया, कौन सा कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी कलर के साथ क्या मिक्स कर रहा हूँ, इतने सारे कुछ नहीं बोलता है। बट अदर्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, मैंने फाइंड आउट किया, मैंने जब मैं देखा मैं जानता भी हूँ और इसीलिए मैं ये कॉन्फिडेंसली मैं आपको बोल रहा हूँ कितनी सारी कलर्स की नेम, कैसे कैसे कलर मिक्स करना है, क्या कलर मिक्स करना है, ये इतना डिटेल कोई नहीं बताता है। तो कोकोनट ट्री में सैप ग्रीन मैं नाम नहीं लिया, सैप ग्रीन का आपने गौर किया होगा तो सैप ग्रीन नहीं दिया। और यहाँ पे हल्का 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 मैं थोड़ा सा हल्का जो ट्री में स्ट्रोक दे रहा हूँ और कुछ ब्रांचेस भी दे दिया। देखिए मेरा पूरा डिस्टेंस में जो है ये कलर मोरालेस में कंप्लीट हो गया, पूरा आपका जंगल की जो तालाब के ऊपर है। अब ये तालाब की ऊपर वाला पार्ट ख़त्म करके अभी मैं तालाब की कलर कर रहा हूँ। ये थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग टेक्निक में, नीचे पानी नीचे के तरफ शेडो है ग्रीन का और गीला में आपको ग्रीन कलर की जो शेडो है वो थोड़ा सा डार्किश है, या फिर येलो कलर है, जो पूरा शेडो जो है पूरा जो जंगल का जो शेडो है ग्रीन कलर की शेडो है, ये तालाब के ऊपर आएंगे। पानी का जो इफ़ेक्ट है वाटर कलर में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही इजी है और सोच समझ के करना है। आप देखिए मैंने जो तालाब की जो कलर किया है, मतलब पानी का जो इफ़ेक्ट दे रहा हूँ, वो एक बार में येलो कर थोड़ा सा ऑरेंज मिला के थोड़ा सा हल्का सा इंडियन रेड भी मिला है मैंने और पूरा ऊपर मैंने किया, और गीला में पूरा जब गीला रहता है उसी में मैं डार्क शेडो ऊपर से तरफ फेंक रहा हूँ दे रहा हूँ, मतलब सॉरी एक्सट्रीम सॉरी ऊपर की तरफ दे रहा हूँ और नीचे की तरफ वो कलर जो नीचे धीरे धीरे कलर ग्लो हो गया। अब जिस जगह पे ड्राई हो गया वहाँ पे मैं लंबा करके स्ट्रोक दे रहा हूँ ग्रीन कलर की, दो तीन स्ट्रोक, और ज़्यादा स्ट्रोक नहीं है। वाटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रोक दोगे तो वाटर के इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखिए वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेरा स्ट्रोक हो गया, यहाँ पे मैं हल्का सा लाइट कलर करके कर रहा हूँ क्योंकि साइड से ना एक हल्का सा लाइट उधर से आ रहा है जंगल में, ये मैं दे रहा हूँ। और पूरा गीला में एक साइड में हल्का सा डार्क, ये पेपर ऑलरेडी गीला है, गीला में मैं कर रहा हूँ। एक बात और है, गीला में जब आप सेकेंड कोट कलर करोगे तो आपका ब्रश में बिल्कुल वाटर नहीं होना चाहिए, ब्रश जितना गीला है उतना ही,
क्योंकि पेपर ऑलरेडी गीला है, उसके ऊपर ही अगर करोगे कभी भी डैम्प में, अगर डैम्प वर्क जिसमें करोगे तो आपको सेकेंड कोट में वाटर की परसेंटेज कम होना चाहिए, कलर की परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। ये मेरा पूरा पानी का जो तालाब है वो हो गया। अब ये जो मैंने फर्स्ट कोट में ग्रीन मैंने एक कलर दिया था, ये एक्चुअली एक सामने वाला फॉन्ट का एक बुशेस का एक लिप्स है वो मैंने किया है। और देखिए उनके हाथ में जो ड्राई सूखा जो नारियल पत्ता है वो लेके जा रही है, हाँ, तो उनके छोड़ के मैं पूरा तालाब का कलर किया। अब मेरे पास जो वर्क है वो है इस महिला को कलर करने, इस जो ये लेडी है जो कैरी करके जा रहा है, इस फिगर को कलर करने के लिए। तो फिगर को कलर अगर आपको इस वीडियो में प्रॉपर आपको विजिबल नहीं होता है तो आप देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। बाकी इसका इमेज जो है वो मेरा वाटर कलर आर्टिस्ट संजय सरकार की पेज में रहेंगे, तो उसमें आप लेकर जूम करके देख सकते हो। पहले फेस में कलर किया, नेक में, और उसके साथ साथ हेयर में, आप पूरा क्लॉथ में उसका कपड़े में मैं आ रहा हूँ जो ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, और इसमें पीठ की साइड में ब्लाउज़ का कलर रेड और ये कपड़े की रंग है। कपड़े में जो कलर्स है यहाँ पे थोड़ा सा लाइट वेरिएंट ग्रीन, वेरिएंट ग्रीन का जो लाइट कलर पार्ट है वो जो ब्लूश टाइप देखता है, और ऑरेंज और रेड कलर की साड़ी है। और साड़ी ऐसे पहना हुआ है जो इनकी जो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये पेटीकोट है, जो पेटीकोट के ऊपर से वो साड़ी गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है ये मतलब। और एक चीज़ और है ड्राइंग में, और इनकी जो चलने का जो एक्सप्रेशन है आप देखेंगे कितना ऐसे लग रहा है कि बहुत तेज स्पीड में वो जा रही है। जो ये मोशन है ये ड्राइंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फिगर ड्राइंग सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं धीरे धीरे कुछ दो चार वीडियो के बाद मैं पूरा फिगर एनाटॉमी ड्राइंग के ऊपर मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। ऑलरेडी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें कि कैसे आपको फिगर ड्राइंग सिखाऊँ, और मेरा उम्मीद है इस तरह मैं फिगर ड्राइंग सिखाऊँगा जो आपको आज तक यूट्यूब में और चैनल में नहीं मिला हो। कितनी इजी पार्ट में मैं फिगर ड्राइंग सिखाऊँ ये मेरा ऑलरेडी प्लान चल रहा है, मैं दिखाऊँगा आपको। तो ये ड्राइंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी काफ़ी मैं पिक्चर देखता हूँ जिसमें फिगर ड्राइंग में बहुत वीकनेस होता है तो उसमें मज़ा नहीं आता। चाहे कलर्स आप जितना भी अच्छा आप इस करो, कलर्स आप जितना भी आप चाहते हो, अगर ड्राइंग में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो, प्रोपोर्शनली अगर ड्राइंग में कुछ गड़बड़ हो तो मज़ा नहीं आता है वो पिक्चर्स में, चाहे आप जितना भी मेहनत करो उसमें। तो ड्राइंग इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखना। अब इसका बॉडी का जो चलने का जो एक्सप्रेशन है वो आप गौर से देख सकते हो कि किस मोशन पे ये है। और अभी धीरे धीरे मैं वो जो कोकोनट की जो ड्राई पत्ता है वो मैं कर रहा हूँ, एक लंबा लंबा हल्का हल्का स्ट्रोक दे रहा हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, ब्राउन कलर, इंडियन रेड और थोड़ा सा हल्का प्रिंस ग्रे, ये मिक्सिंग कलर है, बनसाइना, इंडियन रेड एंड लिटिल बिट प्रिंस ग्रे, जो डार्क पार्ट में प्रिंस ग्रे, और कोई कलर नहीं है। सबसे मेन चीज़ है मैं कलर की पैलेट में मैं जो कलर मिक्सिंग कर रहा हूँ ये आप देख सकते हो कौन से कलर है। हाँ एक है छोटा सा थोड़ा सा मैं मॉफ कलर भी लिया, बनसाइना के साथ मॉफ कलर मिक्सिंग करने में और इंडियन रेड के साथ मॉफ कलर मिक्स करने में ये कलर की इफ़ेक्ट और अच्छा आता है जो मैं सब्जेक्ट को जो कलर कर रहा हूँ, हल्का सा मॉफ भी है इसमें। तो ये देखिए ये कोकोनट का लीव्स मैं बना लिया और पूरा स्टोक हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग मेरा पेंटिंग में मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं धीरे धीरे बहुत अच्छा अच्छा पेंटिंग लेके आऊँगा जिसमें आप बहुत एंजॉय करेंगे। कभी एक्रिलिक पेंटिंग भी लेके आऊँगा, कभी वाटर कलर पेंटिंग लेके आऊँगा, कभी ड्राई पेस्टल, ऑयल पेस्टल, पेंसिल ड्राइंग, हर अलग अलग चीज़ होके आएंगे। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड एंड रियली एंजॉय टू माय वीडियो, थैंक यू सो मच।
सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसे लग रहा है। दिस इज जूम पिक्चर्स, आप इसके स्ट्रोक देख सकते हैं, पूरा कलर की। ये देखिए मैंने स्पेड किया ट्री में, ज़्यादा स्ट्रोक नहीं है, बहुत कम स्ट्रोक है। थैंक यू सो मच।